थोड़ा डिटेल में जाके समझते हैं. फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इज आई एल क्रॉस बी. ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा. मान लो कि ये करंट कैरिंग वायर है जिसकी लेंथ एल है, करंट उसमें आई फ्लो कर रहा है, और बी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, आप बताओ इस सिंबल का मतलब क्या होता है. वो है, इस सिंबल का मतलब होता है इन टू द बोर्ड. ठीक है, तो यू समझो कि करंट जो है वो ऊपर को जा रहा है इस बोर्ड के प्लेन में, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन टू द बोर्ड, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है. तो इसमें हमारी फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल जाएगा आई एल बी, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा वो हमें पता चलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो राइट हैंड स्क्रू रूल से. यानी कि हम रखेंगे अपना हाथ एल के डायरेक्शन में, एल का डायरेक्शन क्या होगा, जो कि करंट का डायरेक्शन है. यानी कि हमने रखा अपना हाथ ऊपर की तरफ, ठीक है, हमारी फिंगर्स पॉइंटिंग अपवर्ड्स, और फिर बी जो है वो इनटू द बोर्ड है, तो हमने अपने हाथ को स्क्रू की तरह घुमाया बी के डायरेक्शन में. एल ऊपर को था, बी अंदर को है, तो ऐसे करके घुमाया. हमारा थंब जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो फोर्स ऑन द वायर वुड बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बोथ एल एंड बी. मान लो कि अगर बी दूसरे डायरेक्शन में होता, बी आउट ऑफ द बोर्ड होता, फिर क्या करते हम, एल के डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स रखते और बी के डायरेक्शन में अपना हाथ घुमाते, हमारी फोर्स जो होती वो इस डायरेक्शन में आती. ठीक है, तो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे. एक और चीज है, ये एल जब सीधा है, मतलब वायर जो है वो स्ट्रेट है, तब तो बड़ा आसान है. ठीक है, लेकिन जब वायर टेढ़ा सा हो, तो आप क्या करोगे, एल का क्या डायरेक्शन लोगे. दोस्तों वायर जब टेढ़ा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन है वो वेरिएबल है. डायरेक्शन वेरिएबल है तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो वेक्टर है वही वेरिएबल है. जब वेक्टर वेरिएबल है तो हम क्या यूज करेंगे, जब वेक्टर वेरिएबल होता है दोस्तों तो हम कैलकुलस यूज करते हैं, या तो डिफरेंशिएट करेंगे या तो इंटीग्रेट करेंगे, है ना. तो इस केस में हमें चाहिए फोर्स. हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े पकड़ेंगे वायर के, और इन सब पे जो फोर्स लग रही है उनका वेक्टर एडिशन कर देंगे. उनका वेक्टर एडिशन कर देंगे तो हमें टोटल फोर्स ऑन वायर आ जाएगी. यानी कि हम एडिशन कर रहे हैं एक तरीके से बहुत छोटे एलिमेंट का, यानी कि डीएल एलिमेंट का. ठीक है, तो डीएल एलिमेंट के एडिशन को हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन. ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एल की जगह डीएल लिखना है और इंटीग्रेट कर देना है. टोटल फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई डीएल क्रॉस बी. डीएल क्या है, डीएल जितने आप ये छोटे छोटे वायर में पीसेस काट सकते हो ना, बहुत छोटी लेंथ के, कैलकुलस और इंटीग्रेशन तो आपने देखा ही हुआ है. तो आई डीएल क्रॉस बी, डीएल इज द इनफाइनाइटेसिमल लेंथ ऑफ द वायर. ठीक है, बस आपको इंटीग्रेट करना है हर डायरेक्शन में. आपको एल का जो हर एलिमेंट के लिए एल का जो डायरेक्शन है वो बदलना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इस डायरेक्शन में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, नीचे को, तो आपका एल का डायरेक्शन इधर होगा, और इस पॉइंट पे एल का करंट जो है वो ऊपर को जा रहा है, तो एल का डायरेक्शन ऊपर को होगा. तो ये आप ध्यान रखना, प्रॉब्लम आएंगी. जनरली सिंपल, ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड शेप नहीं आएगा, सर्कल आएगा. जैसे मान लो, तो सर्कल में एल का डायरेक्शन इस एलिमेंट के लिए आप इधर को मानोगे, इस एलिमेंट के लिए आप इधर को मानोगे, इस एलिमेंट के लिए इधर को मानोगे, इस एलिमेंट के लिए इधर को मानोगे, अगर मान लो करंट ऐसे जा रहा है तो. ठीक है, तो वो एल का डायरेक्शन आपको चेंज करता रहना पड़ेगा, और यही है, इस नॉलेज से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं.